हमने तो सुना था कि हजारों मुगल सैनिक आएंगे, पर आप तो चंद मुट्ठी भरी दिखाई पड़ते हैं। तंजिया लहजे से बचो बिरादर, ये तो फकत इब्तिदा है, आगे आगे देखो होता है क्या। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की तादाद में दिखेंगे हम। वो मुगल या परचम नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? मेवाड़ के परचम से भी ऊंचा है। अब तुम्हारा मेवाड़ का परचम नजारत हो जाएगा मियाँ। तलवार मियान में, हम यहाँ तुम्हारे राजा के बुलाने से आए हैं। यूं समझ लो कि तुम लोगों के खुशहाली के दिन अब गए। तुम्हारा जंगजू लड़ाका प्रताप कभी ना आने के लिए चला गया है जंगलों में। कौन ऐसा कहता है? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मेवाड़ का ये शेर किसी भी जंगल से कहीं भी और कभी भी आ सकता है। मामा, प्रताप को देश निकाले का आदेश देकर हम तो उदयपुर के एक छात्र राजा बन गए। अब तो आनंद ही आनंद। और जगमा, लो आ गई आपकी बहना, रंग में भंग डाली, सही से आनंद भी नहीं ले सकते क्या? और जगमा, कुछ तो गड़बड़ होगी। बोलो बहना, हुआ क्या? कुंवर प्रताप कुछ सामंतों के सहित महल की ओर आ रहे हैं। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो देश निकाला दिया है ना, तुम वापिस कैसे आ सकते हैं? आपका देश निकाले का आदेश कुंवर प्रताप को ये राज सिंहासन हत्याने के लिए नहीं रोक सकता है। किंतु वो दाजी राज की अंतिम इच्छा का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त वो ये सब नहीं सोच रहा होगा कुंवर जगमान। महल की कड़ी सुरक्षा करवाई ताकि वो और उसके साथी यहाँ तक पहुँच ना पाए। मामा, जो मान सिंह ने हमें मुगल सिपाही भेजे थे उनका क्या हुआ? उन्हें यहाँ तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। तुम मुगलों के पास मात्र दो विकल्प हैं। एक, चुपचाप हमारे हाथों अपने प्राण त्याग दो, और दूसरा विकल्प जाकर कह दो अपने उस मुगल से कि वो अपनी सोच की दिशा बदल दे, अन्यथा यदि हम राजपूतों ने हुंकार भर दी तो आगरा के तख्त को भी पूर्ण रूप से हिला देंगे। जाओ, जाकर कह दो उसे भागो, भागो। सेनापति, हुकुम। ये राज सिंहासन देख रहे हो, इस पे बैठने के लिए हमारा राज्य अभिषेक हुआ है, पर यही तो हमारे स्वर्गवासी राणा जी की इच्छा है। किंतु हमारे आदेश का विरोध करके हमारा देश निकाले का आदेश देने के बाद भी आ रहा है हमसे छीनने के लिए। आप हमें बचाओगे ना, रक्षा करोगे ना आप हमारी? जी हुकुम, करेंगे आपकी रक्षा। फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी और चप्पे चप्पे पे अपने सैनिक बिछा दो तुरंत। जी हुकुम। कुंवर प्रताप अपने दाजी राज की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। अवश्य जयवंत अबाई जी ने कुछ कहा है, उनसे प्राण दंड दे देना चाहिए थे उन्हें। उन्हें जीवित छोड़कर भूल करती हमने। अंतिम क्षणों में अपने अंतिम इच्छा का प्रपत्र बनाने का विचार राणा जी को आया कैसे? हम सब तो यही मानकर चल रहे थे कि प्रताप ही राणा जी के उत्तराधिकारी बनेंगे। ऐसे ही राणा जी भी सोचते थे। कहीं ये धीरबाई जी के तो चाल नहीं? वो दुष्ट स्त्री हमारे कल्पना शक्ति के परे चलने वाली चालें गढ़ने में सक्षम है। ये संभव है धीरबाई जी ने जगमाल को मेवाड़ नरेश बनाने के लिए राणा जी के अंतिम शब्दों के साथ छेड़छाड़ की थी। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, किंतु हमारे अंतरात्मा की आवाज किसी भी सबूत से अधिक दृढ़ है इस विषय में।
बहुत अच्छे। ए, वो कोना खाली है और वहां पे भी किसी को भेजो। बस आज किसी तरह उस प्रताप का शव ला के दे दो, हमें सोने में तोल देंगे हम तुम सबको सोने में। बैठ जाइए कुंवर चकमा, अपने सिंहासन पर बैठ जाइए और किसी को अपनी तरफ उंगली मत उठाने दीजिएगा। आपकी माँ की पूरी जीवन का तपस्या का प्रश्न है। रानी माँ शांत, आप घबराइए मत, चप्पे चप्पे पे मेवाड़ के सैनिक है, आप सुरक्षित हैं यहाँ, हम सुरक्षित हैं, हमारा राज सिंहासन सुरक्षित है माँ। कोई हथियार नहीं उठाएगा। आत्मसमर्पण कर दीजिए कुंवर प्रताप, अन्यथा हमें ना चाहते हुए भी मारने का आदेश देना होगा इन्हें। यदि आपकी अंतरात्मा कहती है कि हमें मारा जाए तो फिर ठीक है, निभाइए अपना धर्म, किंतु तनिक ये सोचिए कि आपका धर्म है क्या उस निर्जीव राज सिंहासन की रक्षा, या फिर मेवाड़ के राज सिंहासन से जुड़े हुए विचारों की रक्षा, उनके मूल्यों की रक्षा, जिनके कारण आज भी मेवाड़ का राज सिंहासन जाना जाता है। धर्मपाल जी, मेवाड़ के वर्तमान राजा अपने मूल्यों को भुलाकर मेवाड़ को मुगलों का दास बनाने जा रहे हैं, क्या यही कहती हमारी परंपराएं धर्मपाल जी? मेवाड़ के वर्तमान राजा अपने स्वयं की रक्षा के लिए मुगलों को निमंत्रण दे रहे हैं। मेवाड़ के वर्तमान राजा मुगल ध्वज फहरा रहे हैं, हमारे भी ध्वज से ऊंचा। आज तक हम सब ने मुगलों से युद्ध किया, किंतु आज वर्तमान राजा हमें ये कहते हैं कि मुगल हमारे सर पर बैठकर हमें ही सिखाएंगे राज करना। क्या ये है आपका धर्म? क्या आप इसकी रक्षा करेंगे? हमने आप में से कईयों को सिखाया तलवार पकड़। और यदि हमें लगा कि आपने कुंवर जगमाल को इन्हीं मेवाड़ के मूलभूत सिद्धांतों से खिलवाड़ करने तरने, तो हमारा आपको तैयार करना व्यर्थ कर। हमने सदैव आपको सिखाया, सदैव आपको बताया कि मन मन कर्म कर्म और वचन वचन राष्ट्रवादी वादी। हमने आपको सदैव बताया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठा, तो आप ही हमें बताइए। व्यक्ति बड़ा बड़ा या स्वतंत्र, व्यक्ति बड़ा बड़ा या राष्ट्र, व्यक्ति बड़ा या मातृभूमि, अपने नए आपको लेना लेना, क्योंकि हम निर्णय ले चुके। रानी माँ वो आ रहा है, हमें लग रहा है रानी माँ वो आ रहा है। सैनिकों सारे द्वार बंद कर दो, हमें बचाओ उससे,
कोई भी अंदर नहीं आने पाए। कुंवर जगमा, आप से हसन को हाथ से मत जाने दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा है रानी माँ, ये हमारा है रानी माँ, हम इसको किसी से लेने नहीं देंगे। हमारे लिए क्या हुक्म है? रुक जाओ तुम। सैनिकों, जान से मार दो प्रताप को। हमारे अपनों ने तो हमारा साथ नहीं दिया, कम से कम तुम तो स्वामी भक्ति निभाओ। जाओ जल्दी। ये हमारा निजी व्यक्तिगत मामला है, भलाई इसी में है कि कोई बीच में ना आए। अरे नहीं, तलवार निकालिए बेटा, तलवार निकालिए। मेवाड़ के राज सिंहासन की सुरक्षा और इसके राज्याभिषेक पीढ़ियों से चुडावतों का ही अधिकार रहा है। हम मेवाड़ की सुरक्षा के लिए कुंवर प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित कर इनका विधिवत राज्याभिषेक करते। उदयपुर के नए राजा है राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह, नहीं हम नहीं उतरेंगे। इस राज्य का सिंह हमारा अधिकार है, हम कहीं नहीं जाएंगे। जो खो चुका है उसे चिपके रहने में कोई तुक नहीं है। नीचे आ जाए। नहीं, हम नहीं उतरेंगे, ये हमारा है। वह जगमान, मान जाइए, नीचे आइए। मेवाड़ की राज परंपरा और राज दरबार से मिले अधिकारों से हम राणा जगमाल को बलपूर्वक राज सिंहासन से उतारने का आदेश देते हैं। जी, ये हमारा नहीं, हम नहीं जाएंगे। Yeah.
कुंवर प्रताप, आप उदयपुर के राज दरबार और समस्त मेवाड़ की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठने की कृपा करें, ताकि हम आपका विधिवत राज्य अभिषेक कर सकें। चाहिए कुंवर प्रताप, बढ़ाइए राज सिंहासन की गरिमा। चुंडा बच्चा बच हम मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर नहीं बैठे, नहीं बैठे। हम मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर नहीं बैठे, नहीं बैठे। क्योंकि यहां भरे दरबार में सबके समक्ष हमारी रानी माँ का घोर अपमान किया गया था। अब जब तक हमारी रानी माँ के पवित्र चरण कमल दोबारा इस महल में नहीं पड़े, हम मेवाड़ के राज सिंहासन पर नहीं बैठे, नहीं बैठे। हम जानते थे कुंवर प्रताप, इसीलिए समस्त राज परिवार को आदर सहित बुलाने के लिए हम व्यवस्थाएं कर चुके हैं, किंतु इन तीन दुष्ट आत्माओं का क्या होगा? तब तक जगमाल ने इसी दरबार में हमारे एक राज दरबारी की हत्या की। न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए इन तीनों के विरुद्ध। नहीं नहीं कुंवर प्रताप, हम कुंवर जगमाल छोटे हैं आपसे, भूलो गए इनसे, इन्हें क्षमा कर दीजिए। कल कुंवर प्रताप का इसी समय राज्य अभिषेक होगा। तब तक हम राजा के सभी अधिकार अपने पास रखेंगे और इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम भावी राजा के राज्य अभिषेक होने तक रानी धीर भाई जी, रायमल जी और कुंवर जगमाल को नजर बंद रहने का आदेश देते हैं। इन बंदियों के भाग्य का निर्णय राजाभिषेक के बाद उदयपुर के नए नरेश न्याय पूर्वक ढंग से कर पाए। कुंवर प्रताप, आप अपनी छोटी माँ और अपने छोटे भाई को पूरी दरबार के सामने दंडित करेंगे? ऐसा मत कीजिए कुंवर प्रताप। बस अब और नहीं, आपने सभी सीमाएं तोड़ दी, बहुत देख लिया हमने आपका मां होने का भी नाम। हम और आपके भावनात्मक जाल में नहीं आने वाले। हमने आपको कई अवसर दिए, किंतु आपने संसार की सभी माओं का मखौल उड़ा दिया। हमने आपको इतना प्रेम स्नेह और सम्मान दिया इस आशा के साथ कि आप सुधर जाएंगे, किंतु नहीं। चुंडावत जी के आदेशों का पालन किया जाए और पूर्ण रूप से किया जाए।
हमने तो सुना था कि हजारों मुगल सैनिक आएंगे, पर आप तो चंद मुट्ठी भरी दिखाई पड़ते हैं। तंजिया लहजे से बचो बिरादर, ये तो फकत इब्तिदा है, आगे आगे देखो होता है क्या। हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की तादाद में दिखेंगे हम। वो मुगल या परचम नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? मेवाड़ के परचम से भी ऊंचा है। अब तुम्हारा मेवाड़ का परचम नजारत हो जाएगा मियाँ। तलवार मियान में, हम यहाँ तुम्हारे राजा के बुलाने से आए हैं। यूं समझ लो कि तुम लोगों की खुशहाली के दिन अब गए। तुम्हारा जंगजू लड़ाका प्रताप कभी ना आने के लिए चला गया है जंगलों में। कौन ऐसा कहता है? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मेवाड़ का ये शेर किसी भी जंगल से कहीं भी और कभी भी आ सकता है।